Now we come to the last step, and that is the step 6. हमने time पढ़ा, हमने action पढ़ा. Time को अलग से समझने की कोशिश की timeline के माध्यम से, और फिर ये समझने की कोशिश की कि बिना time के action नहीं हो सकता, और action के बिना time लग नहीं सकता. यदि action नहीं हुआ तो time नहीं लगा. टाइम किस में लगता है? एक्शन में लगता है. कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें टाइम लगता है, और यदि टाइम नहीं लगा तो वो काम ही नहीं किया हमने. दिस इज द सो देयर इज ए क्लोज बॉन्ड बिटवीन टाइम एंड एक्शन व्हेन वी टॉक अबाउट टेंस. सो टेंस में हम एक और उदाहरण दीजिए. मैं एक वाक्य लिखता हूँ. ही Doing his work. He doing his work. बताइए ये sentence सही है. He doing his work. नहीं ना. बीच में जो खाली स्थान है इसमें कुछ छूट गया है. लेकिन ऐसा क्यों? गलत क्यों है ये? एक्शन तो है ना. डूइंग तो है इसमें. एक्शन टू डू मैंने करना. तो फिर क्या चीज गलत है इसमें? टाइम नहीं है. टाइम डू यानी करना तो दिया, एक्शन दिया हुआ है, लेकिन टाइम नहीं दिया है. टाइम कैसे पता लगता है? उस खाली स्थान पे जो शब्द हम भरेंगे उससे हमको टाइम पता लगेगा. खाली स्थान में क्या भरेंगे? ही इज डूइंग हिज वर्क. इज लिखा तो हमको पता लग गया वह काम कर रहा है, यानी इस टाइम पे काम जारी है. इस टाइम पे काम जारी है. मैं फिर से दोहरा लूं, इस टाइम पर, इस समय पर काम जारी है. मैंने ये नहीं कहा कि ही इज डूइंग हिज वर्क एट दिस टाइम. मैंने केवल ये कह दिया ही इज डूइंग हिज वर्क. इतना कहने से आपको एक्शन तो पता ही है, आपको टाइम भी पता लग गया कि वह अभी काम जारी है. यहां मैं वॉज लिखता हूं. ही वॉज डूइंग हिज वर्क. क्या मतलब? काम जारी था. हमको फिर टाइम पता लग गया कि अभी प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, बीत गए समय की बात कर रहे हैं. ही वॉज डूइंग हिज वर्क. काम जारी था. तो ही डूइंग हिज वर्क में एक्शन है लेकिन टाइम नहीं है, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं. जैसे ही मैंने टाइम को किससे बताया, टाइम को मैंने बताया इज से, टाइम को मैंने बताया वॉज से, टाइम को मैंने बताया आर से, दे आर डूइंग वर्क. बहुवचन होगा तो आर आएगा ना. दे आर डूइंग वर्क. वी आर डूइंग वर्क. वी माने हम, दे माने वे, एक से ज्यादा लोग. तो जब एक से ज्यादा हैं तो आर आएगा. तो आर इज वर वॉज, इससे हमको मालूम पड़ रहा है कि टाइम क्या था. So, dear friends, now I hope you have understood finally the correct meaning of the word tense. And you have also understood how time and action go together to make some sense out of tense. Any sentence must have time denoted in it. And action. Any sentence without time cannot be a sentence by itself, incomplete. Any sentence without action cannot be complete. एक उदाहरण और लेते हैं हम. These are pens. मेरे हाथ में pen है. मैं कहता हूं ये pen है. मैं कहता हूं मेरे चार भाई हैं. क्या कहा मैंने? मेरे चार भाई हैं.
वी आर फोर ब्रदर्स, वी आर फोर ब्रदर्स, इसमें एक्शन और टाइम दोनों है। आई हैव 10 pens इन माई हैंड, इसमें एक्शन है। मेरे हाथ में 10 pen है, इसमें एक्शन है, टाइम है। टाइम तो है। आई हैव 4 brothers, मेरे 4 भाई हैं। तो मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, हैं, लेकिन एक्शन। तो क्या ये सेंटेंस विदाउट एक्शन है और कंप्लीट कैसे है? यहाँ पर बात आती है डेफिनेट और इनडेफिनेट वर्ब्स की। इस पे अब हम आगे बढ़ेंगे और इस एक्शन, टाइम और टेंस को लेकर आगे बढ़ते हुए हम उसको एक और नए शब्द से जोड़ेंगे और वह है वर्ब, वी ई आर बी, वर्ब। सो अब हम बढ़ते हैं, टाइम और एक्शन दोनों को मिलाकर किस तरीके से बताया जा सकता है। टाइम और एक्शन, वैसे आपको बताया गया है कि एक्शन का संबंध टाइम से है और वही टेंस कहलाता है, लेकिन इसको बताएं कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करें इसको? इसके तरीका है जिसमें टाइम भी आ जाए और एक्शन भी आ जाए। ऐसे क्या तरीका है? तो उस तरीके को हम कहते हैं वर्ब के माध्यम से, वी ई आर बी, वर्ब के माध्यम से हम टाइम और एक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिए, समझने की कोशिश करिए, एक्शन जिस टाइम पे हो रहा है वह टेंस कहलाता है, ठीक। लेकिन इसको वाक्य में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो वाक्य में लाने के लिए, बोलने के लिए, टाइम और एक्शन दोनों को मिलाकर एक शब्द के रूप में उसे हम यूज करते हैं, लाते हैं, और यही हमारा स्टेप 6 है, 6वां स्टेप है। टाइम और एक्शन दोनों को मिलाकर जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम और एक्शन दोनों को मिलाकर जिस जरिए से हम बात करते हैं वह कहलाता है वर्ब, वी ई आर बी, वर्ब। वर्ब याद रखिए केवल क्रिया नहीं है, वर्ब केवल क्रिया नहीं है, वर्ब केवल एक्शन नहीं है, और ना ही वर्ब केवल टाइम है। वर्ब एक्शन और टाइम दोनों को रिप्रेजेंट करता है, ये बात को ख्याल रखेंगे। वर्ब एक्शन और टाइम दोनों को दिखाता है। एक्शन के बिना वर्ब और टाइम नहीं हो सकते, और ऐसे ही वर्ब बिना एक्शन और टाइम के नहीं हो सकता। ये चीज को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। सो वर्ब क्या है? ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन इन ए सिंगल वर्ड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन इन ए सिंगल वर्ड, एक तरीके से हम उसे हम कह सकते हैं वर्ब। किसी खास काल की क्रिया, एक तरीके से वर्ब यही है, जिसमें समय भी दिखे और एक्शन भी दिखे। तो चलिए अब हम चलते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब में, वर्ब्स के क्या फॉर्म। हैविंग नोन, अब हम समझ गए हैं कि टेंस क्या है, और हम समझ गए हैं कि वर्ब और टेंस में क्या संबंध है।
टेंस में काल और एक्शन दोनों रहता है, तो काल और एक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए जो शब्दों का उपयोग होता है वो टेंस, वो वर्ब कहलाता है। तो इस वर्ब में अलग अलग टाइम है, और भले एक्शन एक हो, टाइम तो अलग अलग है ना भाई, प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है, और यदि फ्यूचर को भी हम टाइम मान लें तो वो भी होगा। वैसे फ्यूचर इमेजिनरी है, टेक्निकली स्पीकिंग फ्यूचर टाइम में नहीं आता, टाइम लाइन में फ्यूचर नहीं आता। तो हम चलिए अब चलते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो हमें टाइम, एक्शन का टाइम भी हमको बता दे। फॉर्म्स ऑफ वर्ब में एक्शन का टाइम भी हमको मिल जाए, कैसे उसको हम बताएंगे। तो सबसे पहला है प्रेजेंट टाइम। कौन सा टाइम? प्रेजेंट टाइम, जो हमने शुरू में पढ़ा था सबसे शुरू, प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम कैसे लिखते हैं? यदि हमको अंग्रेजी ग्रामर में आगे समझना है तो एक शॉर्ट तरीका होता है, शॉर्टकट कहना चाहिए, बार बार वही चीज़ को जो तीन चार शब्द हैं उनको बार बार ना लिख करके समय बचाने के लिए उसको एक रिप्रेजेंटेशन, एक फॉर्मेशन, एक फॉर्म दे दिया गया है, एक कोड दे दिया गया। और कोड क्या है? यदि प्रेजेंट में है तो उसको हम कहेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको डिनोट करते हैं वी और नीचे वन, वी और नीचे वन। वी स्टैंड्स फॉर वर्ब और वन स्टैंड फॉर फर्स्ट फॉर्म। याद रखेंगे इसे ऐसा बिल्कुल ना बोलें वी वन या वी टू या वी फोर। ये ऐसे ही है जैसे कि गणित में यदि लिखा हुआ है एक्स और उसके ऊपर टू, तो क्या उसको एक्स टू बोलते हैं? गणित में क्या बोलते हैं? एक्स टू द पावर ऑफ टू। ऊपर एक्स के ऊपर चार लिखा हुआ है तो क्या एक्स फोर बोलते हैं? नहीं, एक्स टू द पावर ऑफ फोर। ये मैथमेटिक्स की भाषा है, और मैथ्स में यदि मैं उसको एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स सिक्स बोलूँ तो बहुत गलत होगा। वैसे अंग्रेजी में भी, अंग्रेजी में भी बोलने का तरीका है। अंग्रेजी में वी वन नहीं बोलेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट, यानी टाइम कौन सा टाइम? प्रेजेंट को बताता है, उसमें एक्शन भी है और टाइम भी है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है उसमें एक्शन भी है और टाइम भी है। याद रखेंगे इसे वी वन ऐसा लिखते हैं। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा है? पास्ट। पहला तो हमने प्रेजेंट पढ़ा था, सेकेंड हमने पढ़ा था पास्ट। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम डिनोट करते हैं, हम सिंबलाइज करते हैं वी और टू। लेकिन बोलते कैसे हैं? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वी टू नहीं बोलते, याद रखेंगे। इफ यू वॉन्ट टू बी गुड एट इंग्लिश, स्पीक करेक्ट इंग्लिश एंड यूज करेक्ट मेथड। यदि अंग्रेजी में अच्छा होना है तो अंग्रेजी में जैसा बोला जाता है वो तरीका अपनाएं, शॉर्टकट ना ले। वैसे जैसे कि गणित में जैसा बोला जाता है वैसा बोलना रहता है। मैंने उदाहरण दिया x टू द पावर ऑफ फोर, हम ये नहीं कहेंगे x फोर, x टू द पावर ऑफ फोर, दैट इज करेक्ट मैथमेटिक्स। तो सिमिलरली फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज द करेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तो यहाँ पर वी टू मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये कौन सा हुआ? पास्ट। अब हम चलते हैं थर्ड फॉर्म पे। यहाँ फ्यूचर लिखा हुआ है लेकिन फ्यूचर रेड में लिखा है और क्रॉस भी डला है टेंस पे। आपको याद होगा पहले से ही हमने समझते आ रहे हैं
और सही समझ रहे हैं कि फ्यूचर टेंस नहीं होता, फ्यूचर को टेक्निकली टेंस में नहीं मानते क्योंकि वह रियल नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि हमने फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट, ये दो समझ लिया, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब हम थोड़ा सा फिर समझते हैं कि क्या वर्ब के और भी फॉर्म होते हैं, क्या वर्ब के और भी फॉर्म हैं और कौन से फॉर्म हैं। तो ये अच्छा, ये जो बताया जा रहा है ये टाइम के संबंध में, टाइम से रिले, एक्शन तो मिल रहा है वर्ब में, टाइम भी आपको पता लग रहा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का तो नहीं ही है, पास्ट प्रेजेंट ये आपको पता लग रहा है इसमें। दूसरे शब्दों में वर्ब में टाइम और एक्शन दोनों पता लग रहा है और वर्ब के अलग अलग फॉर्म में टाइम और एक्शन दोनों मालूम पड़ रहा है। बिल्कुल सही, इतना तो समझ गया। तो एक हो गया फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, दूसरा हो गया सेकंड फॉर्म पास्ट। क्या इसके और भी फॉर्म होते हैं? हाँ बिल्कुल, हमने टाइम को लेकर और कुछ समझने की कोशिश की थी, अभी तक हमने एक्शन को लेकर किया, अब टाइम को लेकर। परफेक्ट हमने पढ़ा था, परफेक्ट जिसमें काम पूरा हो गया, एक्शन पूरा हो गया, इसमें इसको डिनोट करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रखेंगे, कितने फॉर्म होते हैं, हमने चार फॉर्म पढ़े थे वर्ब, तो अभी थर्ड फॉर्म पे हम पर आए, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा? परफेक्ट, राइट। और फोर्थ फॉर्म, अब फोर्थ फॉर्म क्या है? फोर्थ फॉर्म को हम वी फोर नहीं लिखते, फोर्थ फॉर्म क्या है? फर्स्ट फॉर्म और प्लस ing, जो कंटिन्यूअस फॉर्म है। परफेक्ट हमने पढ़ा था और उसके बाद हमने कंटिन्यूअस पढ़ा था, वह क्या कहलाएगा? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब में याद रखेंगे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहता है प्लस ing रहता है और कंटिन्यूअस फॉर्म रहता है। तो इस प्रकार ये चार फॉर्म हमने वर्ब्स के समझने की कोशिश की, जिसमें टाइम भी है और जिसमें एक्शन भी है, या हम उल्टा बोलें जिसमें एक्शन भी है और टाइम भी है, राइट। अब इसको जानने के बाद, टाइम और एक्शन को समझने के बाद, नाउ वी कम टू ऑलमोस्ट द एंड ऑफ इट ऑल। वी हैव अंडरस्टूड डिफरेंट, वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज टेंस, वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड व्हाट इज वर्ब। हम दोनों में अंतर समझ गए हैं, टेंस और वर्ब में भी अंतर समझ गए हैं। टेंस जो है वो टाइम और एक्शन बताता है का कंबाइन, और वर्ब जो है वो उसको बताने के लिए उपयोग किए गए शब्द हैं, उस एक्शन को किसी एक खास टाइम पे बताने के उपयोग किए गए शब्द हैं। सो वी हैव फ्यू टाइप्स नाउ दैट वी हैव लर्न। तो कितने टाइप हो गए यदि हम देखेंगे तो? यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला प्रेजेंट सिंपल, एक और इसमें हमने छोड़ दिया, जैसे कि मैं आपको बता रहा था उदाहरण कि पेन, मेरे हाथ में पेन है, उसके चार भाई हैं, मैं खाता हूँ में कुछ
अलग सेंटेंस है, अलग टाइप है. सो ऐसे ही मैं खाया, वी कम बैक टू द पॉइंट, वी हैव द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड इज प्रेजेंट सिंपल, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. बिल्कुल सही हमने पढ़ा था. एक सिंपल हमने आपके जोड़ा है जो जिसमें ऐसा क्रिया नहीं होते हुए भी, जैसे मैंने उदाहरण दिया मेरे पास पेन है, मैं जाता हूँ, तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. राइट. ऐसे ही अब पास्ट पे आ जाए. पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. डन. लेकिन ये तो हो गया आपके पास सामने आठ टाइप. फ्यूचर को लेकर जो कन्फ्यूजन है, हम उसको एक तरफ रख दें और मान के चलें कि फ्यूचर भी टेंस का एक तरीके से हिस्सा है, क्योंकि आखिर यदि वो रियल टाइम नहीं है तो सच्चाई तो है कि आगे का काल होता है. अरे आगे कुछ तो होता है ना. मैं यदि हूँ तो वर्तमान में हूँ, तो आगे का काल आते होते वर्तमान होगा और फिर वो भूत हो जाएगा. जो काल अभी नहीं आया है वो आएगा, जो समय नहीं आया है वो आएगा, फिर वो मेरे सामने आएगा और फिर उसके बाद निकल जाएगा. सो भविष्य दो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड टेक्निकली, बट वी कैन स्टिल क्रिएट टाइम लाइन ऑफ पीरियड ऑफ फ्यूचर ऑल्सो, एंड लाइकवाइज द वे वी हैव डन प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. यहाँ पर आपके सामने फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये आपके सामने हैं. सो कितने टाइप हो गए? टोटल 12 टाइप. और फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमने ऑलरेडी देख लिया है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म.